चंपा कली, माँ का नाम राम कली, लड़की सुंदर है बेहद, हर लड़की की माँ है। हाँ माँ भी सुंदर है। पिता का नाम बोलो। मेरे पिता का नाम श्री, कन्या के पिता का नाम ओ मिस्टर जीला। क्या पिता अग्रेसर? नहीं काला। तो नाम सफेद करो का, काम क्या करता है? सारे दिन सामने छज्जे पे बैठा शतरंज खेलता रहता है। राम कली के साथ? नहीं नहीं चंपा कली के साथ। नहीं तो अकेले? अकेले पागल है? नहीं चैंपियन है। चैंपियन है मुक्केबाजी को? नहीं यार शतरंज का। फिर ठीक है यार, पर यार घर का खर्च कैसे चलता है? किराए से। मतलब चंपा कली के मकान में 27 किराएदार रहते हैं। तो तुम उस मकान में 28वें किराएदार क्यों नहीं बन जाते? कोशिश की थी यार, लेकिन वो ससुरी राम कली ने मकान भाड़े पर नहीं दिया। क्यों? कहने लगी कुमारों के लिए नहीं है। कुमारों के लिए नहीं है। चंपा कली से तुम्हारा प्रेम कहाँ हुआ? नुक्कड़ वाले पंसदी की दुकान पर। विस्तार से बयान करो यार। एक दिन मैं मूंग की दाल खरीदने पंसानी की दुकान पर गया। दुकान में चंपा कली भी थी। पंसानी ने दाल का लिफाफा जो ही आगे बढ़ाया, हम दोनों के हाथ एक संग बढ़े और छू गए। बस बस प्रेम हो गया। अरे मेरे हिंदुस्तान, कैसी प्रेम भूमि है। पंसारी की दुकान पर मूंग की दाल खरीदते खरीदते युवक युवतियां प्रेम पाश में बंधे जाते हैं। वाह अरे मेरे भारत महान। प्रीतम भाई आप ही हमें कोई रास्ता दिखलाओ ना यार। अपना रास्ता तो चलने वाला खुद ही बनाता है ना। पर ये बताओ तुम कभी चंपा कली के घर गए? हाँ एक बार। कब कैसे क्यों? सिर्फ एक बार बहाने से। एक दिन रात को 8 बजे चंपा कली के पापा जीलाल सामने छज्जे पर शतरंज खेलने में मशगूल थे। वहाँ पड़ोस के मंदिर में गई थी, चंपा कली घर में अकेली। बस मैं पहुंच गया, चंपू ने दरवाजा खोला, वो मुस्कुराई, मैं मुस्कुराया। नैनों से नैनों की बात थी। और तभी उसकी माँ राम कली आ गई। कहने लगी क्यों आए हो? मैंने कहा कि मेरे स्टॉक के पिन टूट गई। राम कली ने पूरा पैकेट हाथ में रखा और बोली आइंदा पिन टूट जाए तो पंसारी की दुकान पर जाना, यहाँ मत आना। वारे मेरे मध्यम वर्गीय प्रेम। एकदम भाई चंपा कली के रस भरे नैनों का तीर लगा कि बस मैं घायल हो गया। अच्छा नंबर जरा 50 रुपए तो देना। 50 रुपए? कसम से प्रीतम भाई यार इस वक्त जेब एकदम खाली है यार। अच्छा तो ठीक है डॉक्टर, चलता हूँ। पहले कहीं से 50 रुपए का इंतजाम कर लूँ, फिर तुम्हारी प्रेम कहानी सुनूंगा। आदमी का पेट प्रेम से नहीं भरता है, पैसा चलता है पैसा। अच्छा ठीक है टाटा बाय बाय। प्रीतम भाई अरे अरे यार बुरा मान गए। वो क्या पहन की जेब तो कर लूँ शायद मिल जाए। आप मेरी पूरी बात सुन के जाना है ना, मैं अभी आता हूँ। देगा देगा पूरे 50 रुपए देगा। पेट में आफरा जो चढ़ रहा है पूरी प्रेम कहानी सुनाएगा। पर भैया मुफ्त में कहीं किसी दूसरे की प्रेम कहानी सुनी जाती है? वापस नहीं दूंगा, शुल्क है ये शुल्क। प्रीतम भाई प्रीतम भाई प्रीतम भाई हाँ सुन इधर। अरे यार लो यार 50 रुपए है ना, ये उदास समझना पर वक्त अवश्य लौटाऊंगा। अरे ये तो दो नोट है, मुझे तो एक ही चाहिए था। मैं एडजस्ट करूंगा। हाँ लड़का तुम कह रहे थे कि प्रेम भरे नैनों का तीर लगा और मैं घायल हो गया। फिर चंपा कली और मैं और चंपा कली, अरे यार प्रेम का क्रम ही टूट गया यार। रुपया चीज ऐसे है प्यारे लड़का, प्रेम के मध्य जहां कहीं रुपया आ जाता है प्रेम भरभरा ध्वस्त हो जाता है। अरे खैर छोड़ो, मैं तुमसे फिर कुछ प्रश्न पूछता हूँ, तैयार? हाँ तैयार। तुम चंपा कली से सच्चा प्रेम करते हो? सच्चा खालिस सच्चा, ताजा ताजा मक्खन जितना शुद्ध। विवाह करना चाहते हो? अभी और इसी वक्त। और उसकी माँ श्रीमती राम कली ना चाहे तो? तब भी मैं चंपा कली से सच्चा प्रेम करता हूँ, इससे ससुरी राम कली को क्या लेना देना है। ओहो अपनी भाभी सास का नाम इज्जत चलो न कुछ। ये हिंदुस्तान है, यहाँ लोग अपने अफसर के कुत्तों से भी जी लगा कर बात करते हैं। टॉमी जी चैकी जी इससे श्रीमती रामकली जी को क्या लेना देना यार। विवाह में इतनी जल्दी क्यों? प्रेम को थोड़ा पकने तो दो। प्रीतम प्रेम कोई चावल मूंग की खिचड़ी नहीं है जो कच्ची खाने पर पेट में दर्द करती है। प्रेम तो सदा पका
और पवित्र होता है। तुम्हारी उम्र कितनी है नटवर? अगली जुलाई में 29 का हो जाएगा। अभी जल्दी है प्यारे पके तरबूज। क्या? और नटवर बधाई हो, इतने लंबे प्रश्नोत्तरी में तुमने हमें संतुष्ट कर दिया। हम मानते हैं कि तुम चंपा गली से सच्चा प्रेम करते हो, पर चंपा गली भी तुमसे प्रेम करती है, इसके क्या प्रमाण? प्रमाण प्रमाण है, प्रमाण है मेरा दिल। मेरे दिल में चंपा गली की मूरत बसी। अच्छा, क्या तुम हनुमान जी की तरह अपना दिल चीर कर जमाने को दिखा सकते हो? हाँ। प्रेमी हमेशा कल्पना के आकाश में उड़ते रहते हैं। देखो नटवर, समाज और अदालत कभी भी दिल की गवाही नहीं मानता। अरे कुछ ठोस, कुछ कॉन्क्रीट सबूत चाहिए। बोधी है चंपू का प्रेम पत्र। क्या प्रेम पत्र? किसका? तुम्हारा? चंपू का। चंपू का? यानी चंपा देवी का प्रेम पत्र तुम्हारे नाम? अरे जियो मेरे प्यारे जियो, मार गया नटवर, तू प्रेम ग्रंथ के पन्नों का रांझा है, मजनू है, फरहान है, इमरान हाशमी है। नहीं, मैं सिर्फ नटवर लाल, प्रेमी नटवर लाल। यार नटवर, दिखा तो सही वो प्रेम पत्र। उठ उठ यार, उठ। ये साला प्रेम पत्र को दबा के सोता है। प्रीतम भाई, मेरे घर में कोई तिजोरी तो है नहीं यार, जो इस पत्र को उसमें रखूं। ये दिन में जेब में रखता हूँ और रात को घर भेजे नीचे। पहले वादा करो प्रेम के महासंग्राम में तुम मेरा साथ दोगे। मैं वादा करता हूँ नटवर, राम कली को फतेह करने में मैं तुम्हारी तन मन धन से मदद करूंगा। अरे राम कली नहीं, चंपा कली, श्रीमती राम कली तो मम्मी है यार। हाँ हाँ राम कली मम्मी। प्रेम पत्र, प्रेम पत्र। कसम से जिंदगी में पहली बार किसी कन्या का प्रेम पत्र छुआ है। तभी तो तू यही चढ़ रही है। मेरे प्रियतम प्यारे, हाँ मेरे प्रियतम प्यारे, मेरे प्रियतम प्यारे, मेरे प्रियतम प्यारे, मेरे प्रियतम प्यारे, मेरे प्रियतम भाई, मेरे प्रियतम भाई, मेरे प्रियतम भाई, ये क्या कर रहे हो बेशरम? मुझे लगा आपको दिल का दौरा पड़ा है, इसलिए ऑक्सीजन दे रहा है। अरे अचानक दिल में प्रेम भरा पवित्र दर्द जाग उठा था, कहाँ है वो प्रेम पत्र? मैं सुनाता आओ बैठो। मेरे प्रियतम प्यारे नटवर, मेरे प्रियतम प्यारे नटवर, जैसे तुम्हारी उंगलियां मेरे कोमल बदन को छू गई है, तभी से मैं बेहाल। कसम मम्मी की, पहले मुझे मूंग की दाल अच्छी नहीं लगती। मूंग की दाल? लेकिन उस दिन के बाद सुबह दोपहर शाम मूंग की दाल ही खाती। ये सब क्या है नटवर दुलारे, अब जल्दी से मेरा उद्धार करो, जैसे कृष्ण ने रुक्मणी का, अर्जुन ने सुभद्रा का, और पृथ्वीराज ने संयोगिता का किया था। ये क्या बेवकूफी है? अरे तीनों लड़कियां अपने आशिकों के संग, सॉरी मेरा मतलब है इन तीनों देवियों ने अपने प्रेमियों के संग भागकर स्वयंवर रचाया था। प्रीतम भाई, जब सत्युग में प्रेम करना पाप नहीं था तो फिर आज अभिशाप क्यों? क्यों आंटी रामकली हमारे प्रेम की दुश्मन? आगे क्या लिखा है? बस इतना ही, लड़की के दस्तक है नहीं, कोई चांस नहीं इस बात के। बिना सिग्नेचर के इस प्रेम पत्र का कोई अर्थ नहीं। क्यों? ये घनश्याम तिवारी का इस्तीफा है। ये मैंने उसी का लिखा है। अच्छा, दावे से कह सकते हो? हाँ, चंपा कली ने अपने हाथों से दिया था। अच्छा, कहाँ पर? नुक्कड़ वाले पंसारी की दुकान पर। पंसारी की दुकान? ओ नटवर प्लीज स्टॉप इट यार, बार बार उस पंसारी की दुकान का नाम मत लो। अरे पहले प्रेम वाटिकाओं में, उद्यानों में और मंदिरों में होता था, अब ये साला पंसारी की दुकान। चंपू, ये है मेरा दोस्त टीके पंचोली, और टीके ये है मिस चंपा कली। नमस्ते पंचोली जी। जी पंचोली नहीं, टीकेपी यानी प्रीतम। भाई भाई, हमारे लिए आधा कप चाय तो बना दो। चंपा जी के लिए? चंपा जी के लिए? हाँ भैया सभी आया। जाओ चंपू, तुम इस गरीब की कुटिया में पहली बार आई हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कहाँ बिठाऊं। हाँ यहाँ, हाँ हाँ बैठिए, हाँ बैठिए, हाँ हाँ नहीं, हाँ यहाँ, हाँ 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 हाँ।
दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। जब से पंसारी की दुकान पर आपको देखा है मेरे दिल में आप दूध कहाँ रखा है? अरे वही देखो, गैस के नीचे पड़ा होगा। जब से पंसारी की दुकान पर आपको देखा है मेरा दिल टेनिस की गेंद की तरह फुदक रहा है। चंपू चाहे जमाना आज पर चाय पाउडर खत्म हो गया है तो जाओ कर पंसारी की दुकान से क्यों नहीं ले आते? चंपू चंपा गली, जब से मैंने आपको देखा है आंखों में तुम ही तुम समाई। हम दोनों दो जिसने जान होना चाहते पर ये बेदर्द जमाना। नटवर, मैं भी तुमसे, पर मेरी मम्मी चाहती है कि मेरी शादी किसी जवान मर्द से हो, ऐसा जिसके पास धन हो, जो बड़ा अफसर हो, दिखने में भी सुंदर हो। ऐसे जवाई का इंतजार वो पिछले 10 बरस से कर रही है नट्टू। पर तुम क्या चाहती हो? मेरे लिए तो तुम भी चलोगे, मेरा मतलब तुम मुझे पसंद हो। पर मम्मी और पापा, मोहल्ले में शतरंज का चैंपियन था। मुझे पता है, घोड़ा सीधा चलता है, हाथी टेढ़ा और ऊंट ढाई घर। वेरी गुड नेचर, वेरी गुड। तब तो तुम्हें पापा पसंद करेंगे ही। पर मम्मी, चंपू के आम फाड़ चले? नहीं। क्यों? मैं एक भारतीय नारी हूँ, मैं अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ नहीं भाग सकती। हाँ, अगर मम्मी परमिशन दे तो। पर मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? और मिस्टर जी रोक पड़े,
नटवर लाल रोपड़े। मिस्टर रोपड़े, तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुम्हारी रानी दुश्मनों के प्यादों से गिर जाए तो तुम क्या करोगे? कि मैं घोड़ी का इस्तेमाल करूंगा और रानी को घोड़ी पे बिठा के ले भागूंगा। शाबाश शाबाश, पर ये चाल तो शतरंज की है और तुम इसे अपनी जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हो, समझ गए? जी समझ गया पापा जी। दूसरा सवाल, अगर तुम्हारे सामने महारानी खड़ी हो, उसे मात करने के लिए तुम क्या करोगे? जी मैं उसे अपनी सास बना लूंगा। दूर हटो वरना गोली मार दूंगी। खाली बंदूक कैसे चलाओगी राम देली जी? गोलियां तो ये रही मेरी जेब में। हाँ तो नटवर राम, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम प्रेम की और शतरंज की दोनों की परीक्षाओं में सफल रहे, इसीलिए आज से तुम मेरे जवाई। इसे कहते हैं खुदा की खुदाई। सासू जी आप बैठे रहिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। ये कौन है? जी मैं हूँ पीकेपी, यानी प्रीतम कुमार पंचोली, यानी आपका अपना प्रीतम। बीबी का माता माना तो है नौकर बीबी का। तो क्या मुफ्त में काम करता?
शुक्रिया मेम साहब। हाँ। इससे मन भर जाए ना मेम साहब, तो हमको बता दो अपने देश से एकदम जवान नौकर ला करके देगा मेम साहब आपको। हाँ। ठीक है मेम साहब, सलाम मेम साहब। ये पलंग, ये कुर्सियां, तो
कभी कभी तो लगता है समस्या भी किस्तों पर चल रही। अच्छा बोल, कितने का बीमा कराना है? बोल। सिर्फ 10 लाख। 10 लाख? माफ कर भैया, कोई दूसरा मुर्गा पकड़ ले तो। मैं नहीं पड़ता, 10 लाख ही चले लेने। अरे यार तू समझता क्यों नहीं है, तुझे किस्त के रुपए नहीं देने पड़ेंगे। रुपए नहीं देने पड़ेंगे? हाँ, तो मेरे बापू जी देंगे। बिल्कुल देंगे। अरे सुन, देख ये नई कंपनी खुली है, द ग्रेट ग्रीन फोर्स इंश्योरेंस कंपनी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। अरे अपने वो वकील साहब है ना। कौन वकील साहब? अरे वकील साहब केटली साहब। अच्छा अच्छा, वो चाय वाले की केटली साहब। हाँ, वो लाए कहीं से उठा के। देख मुझे इसमें परमानेंट जॉब मिल सकता है अगर मैं कल तक 10 लाख का बीमा कर दूं। एक सप्ताह से भटक रहा हूँ यार, कोई गधा मिला ही नहीं। मैं मिला हूँ ना तुझे गधा। अरे अरे सुन तो मेरा दोस्त है। अरे बैठ, मैं तुझे समझाता हूँ। देख तुझे बस इस फार्म पर दस्तखत भर करने हैं। शुरू की 2 किस्तें तो एजेंट अपनी जेब से जमा कर रहा है, उसके बाद की किस्तें तू जमा मत करवा रहा। तेरी जेब से क्या जाएगा नटवर? सोच नटवर सोच, 10 लाख का बीमा। अरे बड़े बड़े रईस भी नहीं करवाते हैं। 2 महीने तो तू खुश रहना, और वो तेरी सास रामकली उसको दिखाना, वो तो तुझे कंगला समझती है ना। और लाल कंगला, उसके नजरों में तेरी इज्जत कितनी फट जाएगी और तेरे एक दस्तखत से मेरा काम हो जाएगा। कंगला और लाल कंगला, नटवर लाल कंगला, सासू रामकली, और देखना तू मेरा खेल। चल यार निकाल फॉर्म जिस पर दस्तखत करवाने ना, करवा ले तू आज। पहले 10 लाख का बीमा बड़े बड़े पैसे वाले भी नहीं कराते। सासू राम करी, देखना तू करवा ले, करवा ले, करवा ले। शोली का जय, अम्मी जी बदमाशों की क्या पिटाई करते हैं। ओ, 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 तुम
तुमने मेरी क्या गत बना दी। जब बाप अमिताभ बच्चन बेटे अमिताभ बच्चन को बचाने के लिए पोते अमिताभ बच्चन के साथ अकेला 4-5 गुंडों को पीट रहा था, 4-5 नहीं 40-45 थे, 40-45 गुंडों को पीट रहा था, तो तुम मेरी जान पर घूसा मार रही थी। अरे भूतड़ा बना दिया मेरी जान का तुमने। अच्छा, और उस दिन तुम्हारे उस आर्सन से मेरे सर में दर्द नहीं हो गया था? सारी बालकनी में अकेले हम दोनों और सामने पर्दे पर वो आदमी चप चप दाल रोटी खाए जा रहा था। और तुम बार बार मेरी कान पे क्या कह रहे थे? वाह, क्या फिल्म है, क्या सीन है, क्या शॉट है, सर में दर्द हो गया तुम्हारी फिल्म देख के। अरे वो कौन साहब की आठ मूवी थी? हाँ जबी तो, ये जोकर साहब की मार्ट मूवी है। ये मार्ट क्या होता? जिसमें दाल रोटी और वो का आदमी वो आठ मूवी, और जिसमें गाड़ी बंगले और मार्ट हार्ट वो मार्ट मूवी। अरे क्षमा करो देवी जी, क्षमा करो। हाँ क्या हुआ? जब तक बिजली चली। की पुलिस
आजकल क्या कर रहे हैं अब यार? हाँ, एक काम करो, इसे सड़क पे फेंक दो। ये ठीक है। हाँ। सड़क पे। हाँ। सुनो, हाँ। तुम मेरी मदद करना। हाँ। हाँ। रुको, मुझे प्यास लगी, पानी पीकर आता हूँ।
दो साल पहले थानेदार का लड़का मुझसे प्रेम करता था, लेकिन सुना है उसके थानेदार बाप ने पीट पीट के उस दीवाने लड़के के सिर से इश्क का भूत उतार दिया। हाँ, कहीं ये वो ही तो लड़का नहीं है? देखो तो। सुनो, नून आया पानी।